जा रहे ने, लेकिन यार ज्यादा बेर है जगह रुकबो ठीक नहीं ना, नहीं मार के वहा तो सार का भाग और कौआएगा तो बच्चा पेली तुम कब हो। में समय लग गया, सरोवर बहुत दूर था और दौड़ते हुए सरोवर तक गया और वहां से शीघ्र ही जल भर के बल्कि थोड़ा सा ही जल लेकर वहां से दौड़ते हुए फिर आया और यहां आकर देखता क्या हूं कि बेटी संध्या प्यास से बेचैन होकर व्याकुल होकर जमीन पर लेट गई है। घबरा नहीं बेटी, मैं जल लेकर आ गया हूँ, इसी वक्त तुम्हें पिलाता हूँ और उसके बाद अगर फिर भी पेट का दर्द नहीं बंद होता तो मैं तुम्हारे इलाज के विषय में सोचूंगा। अच्छी भरी बात इस जंगल में छोड़ कर गया और आकर देखता हूं कि तेरे बदन से लहू किसने तुझे लहू लुहान कर दिया बेटी, तेरे साथ किस पापी ने जुर्म किया बेटी। घबराने का मुझे कर रही अब तैयारी मैं संसारी से कर रही। पति चाचा जी अब मुझको मंत्री ने टोली दिया मारी है, मुझको मंत्री ने टोली दिया मारी है इस जहां में मैं चाचा रहूंगी नहीं। तुझे मंत्री ने गोली मारा है? हाँ चाचा। आखिर बेटी वो तो तेरे दरबार का एक कर्मचारी है, तेरा ही नौकर है, तो पापी ने गोली क्यों मारा बेटी? क्यों मारा चाची? उसने हमारे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की। गलत व्यवहार करने की? हाँ, और कर भी दिया था तो उसने इसका मतलब तो मैंने उससे कहा कि लौट कर चलोगे राज दरबार को तो कहे पिताजी से फांसी तुझे दिलवाऊंगी, तो उसने मुझे गोली मार दिया। बेटी सब कुछ समझ गया, इसका मतलब कि वो तेरे जिस्म में दाग लगाया, तेरी इज्जत को बर्बाद किया और जब तूने कहा कि मैं पिताजी से बदला कर फांसी दिलवाऊंगी तो उस पापी ने तुझे गोली मार दिया। बेटी दम मत तोड़, बेटी दम मत तोड़। पापी कर्मा सिंह तूने मेरी शान में धप्पा लगा दिया। अरे राजकुमारी संध्या को अपने साथ लेकर जा रहा था, महाराज ने मेरे साथ भेजा था और तूने बेटी की इज्जत बर्बाद करके उसे मौत की सजा दे दिया, महाराज के कुल की निशानी ही मिटा दिया। लेकिन पापी मैं बेटी की लाश गोद में उठाता हूँ और भरे दरबार चलकर महाराज से बताकर मैं तुझे कुत्ते फांसी की सजा दिलवाऊंगा, बचेगा नहीं पापी। कौन सी भूल है और संध्या से हो गई कि तू खतावार है, तू खतावार है। महाराज ये क्या कह रहे हैं हुजूर कि बेटी को गोली मैंने मार दिया? अरे महाराज ये अपने दिल में आत्मा से सोच रहे कि बेटी को मैंने गोली मार दिया,
नहीं महाराज, ऐसा मत सोचिए हुजूर, मैं आपका वफादार हूँ। बेटी को गोली मैंने नहीं मारा, बल्कि किसने मारा है? बेटी ने सब कुछ मुझसे बता दिया है। इसलिए महाराज सुनिए महाराज, और शाह जी खून मैंने नहीं है किया। चाल ऐसी चली है दगाबाज ने, मारा संध्या को मुझको फंसाया गया। क्या कहा? इस पापी ने मारा है बेटी संध्या को, इसने मारा है। महाराज ये झूठ बोल रहा है। क्या कहा? कि तुमने नहीं बल्कि कर्मा सिंह ने गोली मारा है। पापी ने मारा है बेटी को गोली। देखा महाराज, मैं तो आपके साथ था, वफादार। सुने जाओगे धर्मा सिंह, मैंने तुझको क्या समझा और तूने क्या कर दिया? बेटी संध्या के दुश्मन पर गोली मारकर उसे दुनिया से मिटा दिया, और अल्जाम हमारे वफादार मंत्री कर्मा सिंह पर लगा रहा है। अरे मैंने कर्मा सिंह पर नहीं विश्वास किया, तुझ पर विश्वास करके बेटी संध्या के साथ तुझे भेजा, और तुझे आकर बेटी संध्या को गोली मार दिया। मंत्री जी लाश के इर्द-गिर्द देखो, लाश के पास देखो, हो सकता है कोई अस्त्र शस्त्र हो। ये महाराज साबित मिला सेनापति धर्मा सिंह। धर्मा सिंह महाराज, ये मौजर यहाँ कैसे आई? बता रहा हूँ महाराज, ये मौजर मेरी है, और वहाँ कैसे पड़ी है उसका कारण भी बता रहा हूँ हुजूर। महाराज इसी जंगल में, बीचों बीच जंगल में बेटी संध्या पहुंची तो प्यास से बेचैन हो गई थी, और जल कहीं नहीं था हुजूर। जब बेटी प्यास से बेचैन थी तो मैं जल लाने के लिए सरोवर जाने लगा, तो बेटी ने कहा चाचा जी मुझे अकेले डर लग रहा, की सुरक्षा के लिए अपनी ही मौजर बेटी के हाथों में थमा कर मैं सरोवर चला गया था हुजूर। हाँ महाराज, हराम जादे झूठ बोलता है। मैं कैसे समझ लूं कि एक तूफान का कमांडर होकर किसी गैर के हाथ मौजर को थमा दे? महाराज ये मौजर अभी बता रही कि तत्काल इससे गोली निकली है। मंत्री जी बेटी के जिस्म पर देखो मौजर की गोली के निशान है या बंदूक के? इसी मौजर की निशान है महाराज, यही के निशान है। हराम जादे बेटी को मारकर और अल्जाम हमारे वफादार मंत्री पर लगाया। महाराज वैसे तुम छोटवार मनई है, ज्यादा कुछ कहे लायक है नहीं ना, लेकिन बात आ जाते तो काज नहीं कहे, बर्दाश्त न हो तो हम बोलिन दे थे। महाराज मानो चाहे ना मानो, या जितना हो रहा या सब राजा बने के चक्कर में हो रहा, एकदम हकीकत बता रहे महाराज, या जितना बेवाल हो रहा सब राजा बने के चक्कर में, इनके दिमाग खराब होएगा। राजा बनना चाहता हूँ का हम बना चाहे थे, जब ये राजकुमारी के लेके जंगल में आए तो ये एक बैग अपने मन में सोचे हुए हैं कि राजकुमारी महाराज के खेल बिटिया, महाराज के ना रह के बाद ये यहाँ की राजमलका बनेगी, और जो राजकुमारी का मार डो तो राजमलका बनी को। आज ये राजकुमारी का मार डर यह मौका पाए के कौनों दिन आप मिरू हो रही, अरे हम हो तो जाने के मिरू अड्डाई, वही के बाद फिर ये यहाँ के राजा बनते। राजा बने के बड़े बेवाल कह रहे मानो चाहे ना मानो। रामबली काल दस कंबख्त के हाथ में हथकड़ी, और सबसे पहले उसके जिस्म से वर्दी छीन लो। चलो तुम्हार सपना कबो पूरा न होई, राजा नहीं बन सकते गद्दार कहीं के।
ठीक है महाराज। अरे वफादार तो हम लोग। अरे हम लोग हैं वफादार महाराज। ठीक है महाराज, अगर आपकी नजर में मैं बागी बन चुका हूँ, आपकी नजर में बेटी का हत्यारा साबित हो गया हूँ, आपकी नजर में खूनी कातिल मैं हो गया हूँ, तो अपने चश्म से वर्दी उतार दूंगा। इसे छीनने की जरूरत नहीं है महाराज, बड़े शान के साथ इस वर्दी को अपने चश्म पर धारण किया था, इस मुल्क की रक्षा करने के लिए तिरंगा झंडे के नीचे कसम खाया था कि सच्चाई और ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने फर्ज को अंजाम दूंगा। वैसा ही मैंने किया, लेकिन वही वफादार आज आपकी नजरों में खूनी कातिल साबित हो गया, इसलिए इस वर्दी को बड़े सम्मान के साथ आपके समक्ष में उतार दूंगा। हुजूर मैं उतार दूंगा। रामली डाल दो उसके हाथ भटकड़ी और इसे ले जाकर कारागार में बंद कर दो, और उसके बाद इसके बंगले पर जाओ, इसके बंगले पर जाकर इसका बंगला तहस तहस कर दो, तोप से उड़ा दो, और इसके पूरे परिवार को लाकर चौराहे पर लाकर पेट्रोल डालकर चिंता चला दो। जब इसके बच्चे तड़फेंगे तब इसे पता चलेगा कि औलाद का दर्द क्या हो। मंत्री जी, बेटी के लाश को उठाओ और शाही चमन लेकर आओ। ले चलो शाही चमन, हुए कफन दफन हुए राजकुमारी को, इनका लेके हम आए रहे। आप चलो वारे देश के वफादार, यही वफादारी। मार दिया राजकुमारी को, क्या मिला तुम्हें राजकुमारी का खून करने में? राजकुमारी का खून मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? राजकुमारी का कातिल कोई और है, लेकिन महाराज की नजर में खूनी कातिल मैं साबित हो गया हूँ। खूनी कातिल मैं साबित हो गया, जबकि कातिल कोई और है रामबली। अच्छा, मारने वाला कोई और है। आज रात तो तुम जेल में रहोगे। ले चल रहा हूं, तुम्हें डाल दूंगा जेल में। आज रात तुम जेल में रहोगे। कल सुबह ठीक 10 बजे तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जाऊंगा तुम्हारे बंगले पर, तुम्हारे पूरे बंगले को तोप से उड़वा दूंगा। उसके बाद तुम्हारे बीबी बच्चों को ले आकर बीच चौराहा पर महाराज के आदेशानुसार पेट्रोल डलवा कर जिंदा जलवा दूंगा। तुम्हारे बंगले पर कोई दिया दिखाने वाला नहीं बचेगा। रामबली, हमें अपने मरने का उतना गम नहीं है। अच्छा, शौक से मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन हमें अफसोस से तो सिर्फ अपने परिवार के लिए। अच्छा, जो कि हमारा परिवार निर्दोष होते हुए फिर भी इस मुल्क बंगाल में मिटा दिया जाएगा। श्री रामबली, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, आपसे विनती है। बोलो। हो सके तो थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दो। हाँ, मुझे छोड़ दो। सिर्फ अपने बंगले पर पहुँच कर अपने बीबी बच्चों को यहाँ से दूर भगा दूं, उसके बाद शौक से हमें फांसी चढ़ा देना, हमारे बच्चों की जान बच जाए। मैं तुमको छोड़ दूं? रामबली छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दो, क्योंकि तेरा मरना बड़ा जरूरी है। अगर तू जिंदा रहेगा तो हम लोग जिस स्थान पे पहुंचना चाहते हैं कभी उस स्थान पे पहुंच नहीं पाएंगे। रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तू है। हाँ, आखिर मैं किस लिए तुम्हारे रास्ते का कांटा बना हूँ? तेरी वजह से तो हम लोग कंगाल बने बैठे हैं। कंगाल नहीं, हम लोग आज क्या से क्या होते? फिर हम रास्ते का रोड़ा क्यों बने हुए भैया? अब जुगाल लगा रहा हूँ। अच्छा अरसान, जबकि मैं जानता हूँ
कि राजकुमारी का खून तुमने नहीं किया, तुम निर्दोष हो। और राजकुमारी का खून किसने किया, मैं उस कातिल को अच्छी तरह से जानता हूं। उसे तुम जानते हो? मैं जानता। अरे खून मेरी आंखों के सामने हुआ है। तो रामबली, अगर कातिल के बारे में तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चल करके मेरी तरफ से गवाह बन कर और गवाही दे दो। मेरी जान, मेरे परिवार की जान क्यों नहीं बचा लेते आप? मैं गवाह बन जाऊँ? हाँ, गवाह बन जाइए। मेरे उस साले प्रतिरजवा से बता दो, उस साले बुढ़े से बता दो, वो भी नहीं बचेगा। वो के साले के मौत आएगी। आज तुझे राजकुमारी का खून हुआ, कल तेरी फांसी होगी, तेरे परिवार में कोई नहीं बचेगा। वही के बाद मौका पाए के सम्राट प्रजराजों का मिरोरा जाए। मैं जानता हूं खून तुमने नहीं किया, मेरी आंखों के सामने खून हुआ और उसी महामंत्री कर्मा सिंह ने खून किया है। राम बड़ी उसी साले कुत्ते ने मारा, उसी पापी ने। अगर साले वाले कहा ना तो दौड़ा के गोली यहीं पे मारूंगा। आई एम गुंडा, मेरे दोस्त को साले बता रहा। कर्मा सिंह ने गोली राजकुमारी को मारा और हमें लोग महाराज को भी मिरोरेंगे। अच्छा, तुम्हारे परिवार में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। अच्छा, लेकिन ये सब तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? सम्राट को मारने के बाद कर्मा सिंह को यहाँ का सम्राट बनना है। अच्छा, कर्मा राजा बनेगा। कर्मा यहाँ का राजा बनेगा? हाँ। इसका मतलब कि कर्मा ही राजा बनना चाहता है? बिल्कुल, जो महाराज के सामने बात कही गई थी। कहा हम तुम का एक हाथ रहे ने कहा। अच्छा, हम तो खुले आम बता रहे हैं जो उन्हें रहा तब राजा बने के बड़े हो रहा। और उसका साथ तुम क्यों दे रहे हो? मैं? हाँ। मुझे यहाँ का महामंत्री बनना है। आई एम गुंडा। अब बात समझ में आई है कि अपनी अपनी खुशी पाने के लिए तुमने मेरी खुशियों को छीन लिया। हम सब पक्के झरहा हैं। पक्के झरहा नहीं, पक्के परसंतापी हो। परसंतापी समझ? परसंतापी सदा दुखी। का? परसंतापी सदा दुखी। चुप चुप चुप, ये बात तुझको किसने बता दिया? मैं कहता हूँ परसंतापी सदा सुखी। मैं कहता हूँ परसंतापी सदा दुखी। चुप चुप, परसंतापी सदा सुखी। कैसे कैसे सुखी होता है? प्रमाण तुम्हारी नजरों के सामने। क्या है प्रमाण? राजकुमारी का खून तुमने नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं किया। फिर भी तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लग गई, जेल जा रहे हो। हाँ। फांसी हो जाएगी। अच्छा, और राजकुमारी का खून हम लोगों ने किया। हाँ। फिर भी हम लोग सांड बने घूम रहे। मानता हूँ। अब यही जगह सुखी दुखी देख रही। हाँ, मानता हूँ कि वाकई में तुम्हारा सोचना सत्य है जो कह रहे हो कि परसंतापी सदा सुखी। और क्या? लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, ज्यादा दिन तक नहीं। अरे भगवान का ऐसा चक्र तुम पे आएगा ना कि तुम लोगों का सब तहस नहस हो जाएगा। भगवान भगवान का चक्कर वक्कर नहीं आएगा, और चक्कर आया तो उसको भी तोड़ डालूंगा। और भगवान भी इस वक्त आ जाए तो दो चार गोली उन्होंने ठांसी। आई एम गुंडा। तो ठीक है, फिर जो दिल में आए करो, ले चलो मुझे फिर। अच्छा, मेरे साथ तुझको कोई बचा नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ मेरी रक्षा करना प्रभु। अगर भगवान आ जा तो सबसे पहले उनके बरदा के गोड़ काट ले। एक कैलाशवासी मेरी मदद करना प्रभु। चल, एक निर्दोष मेरी मदद करना प्रभु। तेरी मदद कोई नहीं कर पाएगा, तुझे सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। शिव अविनाशी भोले भंडारी, मदद करना प्रभु। भंडारी भंडारी अवैया मैया दुर्गावती कोई नहीं आए हमारे सामने। चल चल, आज रहेगा जेल में, कल होगी भागने की कोशिश की तो पीछे से गोली मारूंगा, और जिस जगह गोली लगेगी सिर्फ उतना ही सुराग रहेगा, और गोली आगे से निकलेगी सब चिथड़ा उड़ जाएगा। वापस
मैं जानना चाहता कि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है मौत है? जिंदगी प्यारी है मौत? मौत 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 अगर मौत प्यारी है तो फिर हाँ। हे भैया जल्दी जल्दी वो समझ न पावा कि जिंदगी बड़ी हो तो मौत नहीं समझ पाए। जिंदगी प्यारी है भाई, जिंदगी प्यारी है। हाँ भाई अगर तुम्हें जिंदगी प्यारी है तो फिर इसी वक्त कड़ी खोलो, यहाँ कड़ी खोलो हमारी इसी वक्त। ना खोला। अच्छा कड़ी नहीं खुलेगी? ना खोला कड़ी नहीं खुलेगी। आई एम गुंडा, गुंडा को हम आज यहाँ गुंडी बना के छोड़ेंगे। ऐसी ऐसी नहीं खोल, कड़ी खोलना पड़ेगा। ना खोल, ना खोला, खोलना पड़ेगा। ना खोल, ना खोल अब भाई। खोलो हथकड़ी, खोल अब, बिल्कुल खोलो, खोल अब भैया आगे आवा। खोलो हथकड़ी, आवा बाबू साहेब, वक्त खोलिए तुरंत। खोल अब तुहे लम्बरदार, बिल्कुल बहुत डरवा दिया भाई, इतना डरवा दिया कि हथकड़ी के बाद छोड़ा, अब तो कहो चड्ढी पैजामा खोल डाई। उसकी जरूरत नहीं है, केवल हथकड़ी खोलवाना था। अच्छा देखा भोले की महिमा? देख लीन भाई, देख लिया भोले की महिमा? देख लीन। मैंने कहा था अगर भोलेनाथ की कृपा होगी तो ऐसा कभी नहीं होगा, और अब चाहूं तो इसी जाऊं तो इसी वक्त तुम्हारी जिंदगी छीन सकता हूं। गोली नहीं चलाना। गोली तुम्हारे पर नहीं चलाऊंगा। अच्छा अब यहां से जा रहा हूं। अच्छा इसी वक्त जा रहा हूं और बोल देना उस सारे कर्मा से, अगर साले वाले कहो तो फिर क्या बोलबे न कर। बोलना नहीं क्योंकि मैं जा रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत अब मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। अच्छा ऐसे कैसे चले जाओगे? कम है यार, कम है यार। मैं आई एम कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं। आगे आवा, आगे आवा। बाकी है भी? हाँ क्या कहा के मतलब कि अब तो जाते हैं, जा भाई तो काम रोकम ना। एक काम कर लियो भाई, ये छुटकई तो तुहारी आए, वो कर ले जा, ये बड़कई हमारी आए भाई। एका हमका दे दिया भाई। क्यों दे दे? एका लेके चले गए तो क्या होगा, नौकरी खतरे में पड़ जाए। क्या लाल 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 महतारी बाप भूखन मर जाइए, बंदूक हम कर क्या बात है, ऐसा चिल्ला रहे हैं जैसे गली गली कुत्ते चिल्ला रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई जंगल में स्यार चिल्ला रहे हो। रो रहा है कि झूठा नाटक कर रहा है, बंदूक दे दी। रहा कि अगर बंदूक चली गई तो नौकरी छिन जाएगी और नान नान महतारी ना। अरे वृद्धावस्था में माता पिता और छोटे छोटे मासूम बच्चे वो परेशान हो जाएंगे। नान नान उनका महतारी बाप समझो। अच्छा जज बच्चों को तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। कहते कि इंसान के पेट पर पैर का ठोकर नहीं मानना चाहिए, किसी के भी पेट पर पैर का ठोकर ना मारो, पीठ पर भले मार दो लेकिन पेट पर किसी के पैर ना मारो। पीठी पर तो मरबा ही ना करे। क्यों पीठी पर मारो तो मन ही मुहे के भल की रात है, मारे तो वही के सीना पर मारे के पीछे का फैल जाए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, कहने का मतलब कि हम तुम्हारी नौकरी नहीं छीनना चाहते, हम तुम्हें बंदूक देंगे। हाँ लाओ भाई ठहरो। क्या समझते हो कि मैं कोई मूल नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ? अरे इस बंदूक का टाइगर बता रहा है कि तुम्हारी बंदूक लोड है। यह माँ अपन दोनों गोली भरे हैं। अपन गोली नहीं तो कारतूसे भरी हैं। मतलब हमारे जो सरकारी गोली रही है यही में भरी है। भरी है। इस सालात में अगर तुमको ये बंदूक मैंने दे दिया तो फिर दोनों कारतूसों का इस्तेमाल तुम मेरे ऊपर ही करोगे। वह तो पक्का रहा। हाँ तो हम तुम्हारे मूड को जानते हैं अच्छी तरह, ये बंदूक तुमको मिलेगी। अच्छा इसकी कारतूस खाली होने के बाद। खाली? हाँ खाली होने के बाद। आखिर में जात जात एक जीव लाइन भया, वासाली एक कबूतर मर गए। मर गई? हाँ जानबूझकर निशाना नहीं लगाया। हमारी गोली है बगैर जीव लिए कहाँ जाएगी।
तुम्हारी गोली कोई शब्दवेधी बाण है ना, वो से आगे। हाँ, अब इसमें एक कारतूस और बची है, वही का तो देंगे। इसी में हमारी जिंदगी और मौत का फैसला है। एक गोली नहीं, इसको भी खाली करने के बाद ही तुम्हें देंगे, ना इससे नहीं मिलेगी। अब की कुछ नहीं मरा, अब की गोलिये का पता नहीं लाग कहाँ चली गई। बंदूक चाहिए तुम्हें? हाँ भाई। अब इसी वक्त लो पकड़ो बंदूक, शौक से बच गई नौकरी तुम्हारी। देखा हम लाइन के कहा गए। हाँ, नौकरी तुम्हारी बच जाएगी। अब तो लिहे गए लिहे बराबर। आ, जा रहा हूँ। अच्छा, जा रहा हूँ और किसी तरह की कोई हरकत बाजी नहीं है। ना, 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 जब तक मैं यहाँ से काफी दूर ना निकल जाऊँ तो मेरी तरफ मुड़कर देखना भी नहीं। का हम जीवन मन देख, अब तुम जाओ। हाँ, बस उस तरफ को अपना ये बर्धा की तरह आँखी ना फेरो उठो मेरी तरफ। हाँ, जो बैल की तरह तिरछिया कर देख रहे। क्या? हाँ, उस तरफ को देखना मैं जा रहा हूँ। जा जा जा। कांधे पाए धरत ही रखना, वरना तो समझ लो। जाओ यार, जाओ। तुम शायद अभी तुम जानते नहीं मैं हूं कौन। आई अब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जा जा, जा। कुछ नहीं, ज्यादा खीसे नकाड़ो। कहा ज्यादा खीसे नकाड़ो, कहा थी मार के आगे पंदरियो नाचत। अब अभी एको गोली मार तो हम तो चिटिक जाए। शायद जानते नहीं कि जान बचाए लाखों पायल लौट के बुधाई घर का है। बच गए। अब एक बात बताए, बाबा चाहे जेल में हो चाहे रेल में, न हमारी रंगबाजी कम हुई है न रंगबाजी कम होगी। यहाँ का मंत्री बनना है और मंत्री बनकर दिखाऊंगा। बिहारी लाल, बिहारी लाल, मर गए तुम भूत। क्या बात है? आ गए? हाँ। तो तुम नहीं आ गए बेटा, तुम्हारी मौत आ गई। ऐसा मत कहो भैया। मेरा मंत्री पद खून मांग रहा। अरे राम। और पहला खून तेरा होगा। जब तक तुम मरेगा नहीं मैं मंत्री बन नहीं पाऊंगा। चिंता मत कर, तू मुझे खून दे मैं तुझे आजादी दूंगा। आजादी ले जा भैया, मुझे छोड़। मर जा। नंबर एक, नंबर दो। डराए गए का? अब काहे के डरा थे? गोली मार देंगे ना। गोली नहीं नबे, दगी है कि खाली डरवावत रही। राजकुमारी का खून हो गया हम लोगों ने। क्यों? तुम लोगों ने बराना मन नहीं तू कमी रोट जाओ। इसकी जो हम खून सवारे है, इल्जाम सेनापत पे लगा दिया था। अच्छा, तो हथकड़ी लगाए के ले जात रहे रत्तवा में, हथकड़ी ही छोड़ा आए ली। हाँ। बंदुखिया ले ली सथवा में। हाँ। वा तो हाथ गोड़ जोरा बच गई। हाथ गोड़ जोरे से नहीं, एक्का गोली मारे तो हम तो निपुर जाए। वा तो पक्की बात थी, सेना का अफसर है भैया। अफसर नहीं है वो, उसको मैंने इतना डरवा दिया। हाँ। कि मेरे खौफ से मुल्क बंगाल छोड़कर चला जाएगा। अब यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, अब हमको मंत्री बनने का पूरा चांस मिल गया। अरे भाई, फिर आप मंत्री ही बन जाएंगे। पकड़ एका, अब एका पकड़, अब एका पकड़, अब एका पकड़, एका। अच्छा, अब नंबर है साले ब्रदर जवा का। महाराज को कुछ ना कहो भैया, हम दर्दी नहीं दिखाना। एक बात याद आ गई है। कौन सी? कि पिलाई पालो लाल के सफेद वाली छोटे कान वाली बरबरी पिलाई पालो ऐसे। पिलाई पालो लाल के राखो खूब खवाए रहा भरोसे राम के। कार्तिक माँ फर जाए भैया, कार्तिक माँ फर जाए। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, तुरंत झगड़ा हो झगड़ा वैसे ना करो जो तुमसे तगड़ा होए हो भैया, तुमसे तगड़ा।
कराए तो अस कराए जस बिलारा आए बिलरिया उड़ाई के अपना दिल मजावे भूत हो भैया दिल मजावे चित्रकूट के घाट पर चित्रकूट के घाट पर भाई भैंसी ने गए भी तुलसीदास प्रभु दूध दुहे तमें रघुवीर हो भैया भैया यह नौ टंकी माँ तरह तरह हके लो कुछ तो सही सही बोल रहे हो इसी सिंह थिएटर के बात कर रहे हैं सिंह थिएटर जी 25 आदमी है 25 तरह के हाँ अहिर गडरिया बाभन ठाकुर हाँ कुर्मी हाँ लोध मुराई हाँ हर कास्ट के आदमी है हाँ तमाम तरह के लोग हैं लेकिन संख्या किसकी ज्यादा है किसकी है भैया जाहे नाओ कंकी माँ तरह तरह के लोग आधे से ज्यादा हरिजन भाई तीन आहिर ए लोद हो भैया तीन आहिर ए हारमोनिया पर मोलू मास्टर मारिया जी मारिया जी अच्छा अच्छा हारमोनिया पर मोलू मास्टर टंकी सुनी सबकी बातें छोड़िए ढोलक पे पूरा